हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 7th क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, विच इज ग्रेटर। और यहाँ फर्स्ट पार्ट में देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है 2 अपॉन 7 ऑफ 3 अपॉन 4 और 3 अपॉन 5 ऑफ 5 अपॉन 8। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि 2 अपॉन 7 ऑफ 3 अपॉन 4 और 3 अपॉन 5 ऑफ 5 अपॉन 8 में से ग्रेटर कौन सा है, बड़ा कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 2 अपॉन 7 ऑफ 3 अपॉन 4 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 2 अपॉन 7 तो एज इट इज आ गया, ऑफ की जगह यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 3 अपॉन 4 यहाँ पर एज इट इज है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ न्यूमरेटर में 2 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, तो ये 2 और 4 आपस में सॉल्व किए जा सकते हैं। ये दोनों ही 2 से कटेंगे, देखिए 2 वन द 2 एंड 2 टू द 4, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ न्यूमरेटर में 3 है, 1 इंटू 3 3 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 3 आ गया। डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ 7 है, यहाँ पर 2 है, 7 इंटू 2 14 होता है, यहाँ डिनोमिनेटर में 14 आ गया। अब देखिए 2 अपॉन 7 ऑफ 3 अपॉन 4 ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, हमें इसका आंसर मिला 3 अपॉन 14। अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स 3 अपॉन 5 ऑफ 5 अपॉन 8। तो देखिए ये 3 अपॉन 5 यहाँ पर एज इट इज आ गया, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आया, 5 अपॉन 8 यहाँ पर एज इट इज। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूमरेटर में 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर में भी 5 है, तो ये दोनों आपस में सोल्व किए जा सकते हैं, ये दोनों ही 5 से कटेंगे, 5 वन द 5 एंड 5 वन द 5। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो यहाँ न्यूमरेटर में 3 है, यहाँ न्यूमरेटर में 1 है, 3 इंटू 1 3 होता है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 आ गया। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 8 है, 1 इंटू 8 8 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 8 आ गया। तो 3 अपॉन 5 ऑफ 5 अपॉन 8 का हमारा आंसर आ गया 3 अपॉन 8। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें अब इन दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए कहा गया है कि 2 अपॉन 7 ऑफ 3 अपॉन 4 से जो हमें आंसर मिला, यानी कि ये 3 अपॉन 14, और 3 अपॉन 5 ऑफ 5 अपॉन 8 से हमें जो आंसर मिला, यानी कि 3 अपॉन 8। अब हमें इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है कि इनमें से ग्रेटर कौन है, यानी कि बड़ा कौन है। अब देखिए ये दोनों ही नंबर्स फ्रैक्शन में हैं, तो जब हमें फ्रैक्शन वाले नंबर्स को कंपेयर करना हो कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो उस केस में हमें इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना होता है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 14 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर 8 है। अब हम सबसे पहले तो इन दोनों को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि हम इन दोनों के ही डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। अब इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए स्टूडेंट्स, हम इन दोनों के ही डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 14 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 8 है, तो अब हम 14 और 8 का एलसीएम लेंगे। अब देखिए 14 और 8 दोनों ही 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 7 द 14, 2 4 द 8, 7 तो सिर्फ 7 से ही कट सकता है, तो 7 1 द 7, और 4 तो 7 से कट नहीं सकता, तो 4 यहाँ पर एज इट इज आ गया। अब ये वाला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो चुका है, अब हमें इस 4 को सॉल्व करना है। 4 2 से कट जाएगा, 2 2 द 4, अब यहाँ पर बचा 2, ये 2 भी 2 से कटेगा, 2 1 द 2। अब इन दोनों ही नंबर्स का यानी 14 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए हम 2 7 2 और 2 इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमने लिखा स्टूडेंट्स, एलसीएम ऑफ 14 एंड 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, 2 7 द 14, 14 इंटू 2 28, 28 इंटू 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 56। तो 14 और 8 का जो एलसीएम आ गया है स्टूडेंट्स, वो हमें मिल गया है 56। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो नंबर है कंपैरिजन के लिए, एक नंबर है 3 अपॉन 14 और दूसरा नंबर है 3 अपॉन 8। तो सबसे पहले हम इन दोनों के ही डिनोमिनेटर्स को 56 के इक्वल लाएंगे। तो देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 14 है, तो 14 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 56 आ जाए। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको एक इजी मेथड बता रहे हैं, अगर आप यहाँ 2 इंटू 7 करें तो क्या मिलता है, 14। यहाँ पर भी 14 है, तो ये 2 इंटू 7 तो आपको 14 दे रहा है, इसके बाद जो दो नंबर बचे इनको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलता है, 2 टू द 4। तो 14 को अगर आप
फोर से मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है, तो यहां पर भी 14 है, तो हम क्या करेंगे, 3/14 इज इक्वल टू, अब यहां पर जो डिनोमिनेटर में 14 है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको न्यूमरेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 3 × 4 आपको मिलेगा 12, और डिनोमिनेटर में 14 × 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 56, तो यहां पर हमें मिल गया है 12/56। अब हम 3/8 में जो ये डिनोमिनेटर है 8, इसको भी 56 के इक्वल लाएंगे, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स कि हमें 56 मिल जाए। अब यहां पर देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो इसके अलावा यहां पर क्या बच गया, 7, यानी 8 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 56 मिलता है, तो यहां हम लिखेंगे 3/8 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिनोमिनेटर को आप 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 × 7 यहाँ 21 आ जाएगा, 8 × 7 यहाँ 56 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स अब सेम हो गए हैं, तो अब हम इनके न्यूमरेटर्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। देखिए 21 ग्रेटर होता है 12 से, इसका मतलब 21/56 ग्रेटर होगा 12/56 से, तो यहां पर हमने क्या लिखा, 21/56 इज ग्रेटर देन 12/56। अब ये 21/56 हमें कौन से फ्रैक्शन से मिला था स्टूडेंट्स, देखिए 21/56 हमें मिला था 3/8 से, तो इस 21/56 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3/8 ग्रेटर देन साइन एज इट इज। अब यहां पर देखिए 12/56 हमें कहां से मिला था, 12/56 हमें मिला था 3/14 से, तो यहां पर हम लिखेंगे 3/14, यानी 3/8 इज ग्रेटर देन 3/14। अब इसी आंसर को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये 3/8 हमें कैसे मिला था, जब हमने 3/5 और 5/8 फाइंड आउट किया था, और ये 3/14 हमें कैसे मिला था, जब हमने 2/7 और 3/4 फाइंड आउट किया था, तो इस 3/8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 और 5/8, और इस 3/14 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2/7 और 3/4, तो फाइनली हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि 3/5 और 5/8 इज ग्रेटर देन 2/7 और 3/4। अब हम फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में हमें बताना है 1/2 of 6/7 और 2/3 of 3/7 इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, यानी के बड़ा कौन है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे 1/2 of 6/7, तो देखिए स्टूडेंट्स 1/2 यहां पर एज इट इज आ गया, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई का साइन आया, 6/7 यहां पर एज इट इज आ गया। अब यहां पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहां न्यूमरेटर में 6 है, यहां डिनोमिनेटर में 2 है, ये 6 और 2 आपस में सॉल्व हो सकते हैं, ये दोनों ही 2 से कटेंगे, देखिए 2 × 2 एंड 2 × 3 = 6। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए यहां न्यूमरेटर में 1 है, यहां न्यूमरेटर में 3 है, 1 × 3 करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, तो यहां न्यूमरेटर में 3 आ गया। अब यहां डिनोमिनेटर में 1 है, यहां डिनोमिनेटर में 7 है, 1 × 7 करेंगे आपको 7 मिलेगा, तो यहां डिनोमिनेटर में आ गया 7, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 of 6/7 का आंसर आ गया है 3/7। अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स 2/3 of 3/7, तो देखिए 2/3 यहां पर एज इट इज, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, तो यहां मल्टीप्लाई का साइन आ गया, 3/7 यहां पर एज इट इज आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां न्यूमरेटर में 3 है, यहां डिनोमिनेटर में 3 है, ये दोनों ही 3 से कट सकते हैं, 3 × 3 एंड 3 × 3। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, देखिए 2 × 1 2 होता है, तो यहां पर 2 आ गया, और यहां डिनोमिनेटर में 1 है, यहां डिनोमिनेटर में 7 है, 1 × 7 = 7 होता है, तो यहां डिनोमिनेटर में 7 आ गया, तो अब हम कह सकते हैं कि 2/3 of 3/7 का आंसर है 2/7। अब यहां पर हमारे पास दो फ्रैक्शन आ गए स्टूडेंट्स कंपैरिजन के लिए, हमें पता करना है इनमें से बड़ा कौन है, हमें किनको कंपेयर करना है, 3/7 को और 2/7 को। अब यहां पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स
कि ये दोनों ही फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर्स हैं ये पहले ही इक्वल है, इसका मतलब ये ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो हम सीधे सीधे इसमें क्या करेंगे, इनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए यहाँ न्यूमरेटर है 3 और यहाँ पर न्यूमरेटर है 2, तो इसमें से बड़ा कौन सा हुआ, 3। तो अब हम कह सकते हैं कि जो 3/7 है ये ग्रेटर है 2/7 से। तो यहाँ पर हमने लिखा 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7, और ये 3/7 हमें किससे मिला था स्टूडेंट्स, ये हमें मिला था 1/2 of 6/7 से। तो 3/7 की जगह हम लिख देंगे 1/2 of 6/7, और यहाँ पर ये 2/7 हमें किससे मिला था, ये हमें मिला था 2/3 of 3/7 से। तो यहाँ पर 2/7 की जगह हम क्या रख देंगे, 2/3 of 3/7। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि 1/2 of 6/7 इज ग्रेटर देन 2/3 of 3/7। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।